गुड इवनिंग गाइस, अभी रात हो गई है, रात का टाइम है और टाइम हुआ है रात के 9 बजे का और हम लोग जा रहे हैं बाहर प्रिशा को लेने। प्रिशा के आज फ्रेंड की बर्थडे थी तो वो वहाँ पे गई हुई है ट्यूशन से डायरेक्ट, तो हमने कहा चलो उसको ले भी आते हैं और 2-3 चीज़ें हमें मार्केट से लेनी है क्योंकि हम लोग कल अचानक से कहीं निकल रहे हैं, मतलब रातों रात कहीं निकल रहे हैं। आज रात को जाने की प्लानिंग थी, आज रात को ही निकलने की प्लानिंग थी, बट फिर मुझे थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह मेरी बाकी है तो मैंने विवेक को बोला कल अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। तो चलिए आप साथ में, आपको पता चली जाएगा हम कहाँ पे जा रहे हैं। अभी मैंने ये टी शर्ट पहन के मैं रेडी हुई हूँ और प्रिशा को लेने के लिए जाएंगे। बालों को अभी मुझे कॉम किया नहीं है मैंने आज, इसमें की थी रेमेडी एलोवेरा जेल वाली, जो कि आई थिंक मेरे नए चैनल पे आ चुकी होगी। देखिए कितनी वॉल्यूम दिख रही है बालों में, बालों में काफ़ी वॉल्यूमाइज लग रहे हैं हेयर। बहुत ही अच्छा सा आज मैंने एक हेयर पैक लगाया था जिसको लगाने के बाद बाल काफ़ी फ्लफी फ्लफी से हो गए हैं। आप देखो, भाभी का फ़ोन था, भाभी जस्ट अभी काम करके गई हैं सारा, क्योंकि हम कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं तो मैंने उन्हें कहा था कि आप सारा काम कर जाओ, ये कपड़े वपड़े तह लगा के गई हैं वो सब मैं अभी प्रिशा को आने के बाद, मतलब लेके आने के बाद सारे उठा के रखूँगी। और घर पूरा ठीक कर दिया ताकि कल सुबह निकलने में प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे किचन डाइनिंग टेबल पे ही सामान रखा रह गया, बाकी किचन आप देखो तो पूरा क्लीन पड़ा है, सब कुछ साफ कर दिया ताकि सुबह में निकलते टाइम घाई घाई ना हो, मतलब सब साफ सूफ करना पड़ता है ना, रात को ही कर देना ठीक रहता है। जब भी कभी ऐसे हम लोग हॉलीडे पे जाते हैं, आपने देखा होगा मैं एक रात पहले भाभी को बुला लेती हूँ, वो सारा काम कर जाती है, तो वो सब कर गई हैं। आज मेरी स्किन इतनी चमक क्यों रही है आप ज़रूर जानना चाहोगे, तो मैंने कुछ रेमेडी करी है। और जो कि नए चैनल पे मेरे आज ही या गई कल यस्टरडे और टुडे आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी किसी वजह से तो इस ब्लॉग के तुरंत बाद में मैं डालूंगी ताकि आपको पता चल सके कि ग्लो किस चीज़ का इतना आया हुआ है। देखिए कितना ग्लो है, और बालों में भी मैंने बहुत अच्छी सी रेमेडी करी है, तो वो दोनों चीज़ें मैंने साथ में शूट करी हुई हैं नए चैनल के लिए। बिल्कुल होम घर की, मतलब क्या बोलूँ आपको, बेसिक चीज़ों के साथ, जो बेसिक हम लोग बचपन से दादी माँ नानी माँ से सुनते चले आ रहे हैं उन चीज़ों से मैंने आज अपना स्किन और हेयर का केयर किया है कुछ। यहाँ पे लोग बैठे हैं, अब इनको लेके चला जाए। खाना हमारा हो गया क्योंकि भाभी को बुलाया था तो ऑब्वियसली वो बर्तन वगैरह करके गई हैं, सारा खाना हो गया। और ये वाले रूम में थोड़ा सा सामान है प्रिशा का, ये मैं सब उठाऊँगी अभी रात को सोने से पहले ही। मैं जब कहीं जाना होता है ना तो ये जैसे जो भी सामान पड़ा है, ये कपड़े पड़े हैं, ये पड़ा है, वो सब मैं रात को ही कर देती हूँ। उससे क्या रहता है, सुबह में जब हम जल्दी में निकलते हैं तो कोई भी काम हमारा छूटता नहीं है और जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं उस पर हम फोकस्ड रहते हैं। जैसे कि जाने से पहले मैं गैस का नॉब ऑफ करती हूँ, सारे नल चेक करती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ, तो अगर यहाँ सामान पड़ा रह जाए तो वो काम रह जाएगा। तो बेटर है कि ये सारा काम रात को एक रात पहले कर दो और फिर शांति से निकलो। जब रात की हमारी ट्रेन होती है तब तो हमें काफ़ी रिलैक्सेशन होती है क्योंकि हमारे पास पूरा लंबा दिन होता है, लेकिन अगर हमें सुबह सुबह निकलना है तो रात को ही आई थिंक सारा काम करना चाहिए, और मैं ऐसे ही करती हूँ। चलो मैं अपने बाल बांध लूँ और बाल बांध के चलिए निकलते हैं। चीज़ मुझे याद आई अभी भी जाने से पहले कि जब मैं अपना ये वाला बन बनाती हूँ, अभी बना रही थी ना तो मुझे याद आ गया अचानक से, जब भी मैं बनाती हूँ आप लोग हमेशा पूछते हो मैं कैसे बनाती हूँ, तो मेरे नए चैनल पे मैं शेयर करूंगी। देखिए एकदम मैसी से बन वाला लुक आता है, और ये जो मेरी आगे की फ्लिक्स हैं लंबी हो गई, इनको फिर से मैं कटिंग कर लूंगी, मुझे लंबी फ्लिक्स इतनी नहीं पसंद। देखो आप खाली शाइनी शाइन देखो और सॉफ्टनेस देखो आज बालों की, यानी घर की चीज़ों में, मतलब जो होम रेमेडीज होती हैं उसमें कितनी ताकत होती है, जो बड़े बड़े स्पा नहीं कर पाते ना, ये ऐसा हेयर स्पा काइंड ऑफ मैंने आज करा है, और नए चैनल पर ये शेयर हो जाएगा, आप चेक कर लेना। बहुत ही सॉफ्ट बाल हो रहे हैं, देखो मज़ा ही आ जा रहा है, और स्किन भी उतनी ही ज़्यादा दमक रही है। थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह रखना पड़ेगा बच्चों के लिए, मतलब कुछ असेंशियल्स होते हैं जैसे कि मेडिसिन हो गई या बच्चों के लिए नाश्ता हो गया, ये सब ज़रूर रखना चाहिए बाहर जाने से पहले, बिकॉज वी नेवर नो कब ज़रूरत पड़ जाए। ट्रैवलिंग में बच्चों का साथ होता है तो ये चीज़ें रखना ज़रूरी हो जाता है। नीचे पार्किंग में आए हम लोग, और पार्किंग में हमारी ये कार खड़ी थी, इस पर हमेशा हम लोग कवर डाल के रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी दूसरी कार है तो ये कार कम ही यूज़ होती है, तो आज इसको हम अभी रात को ही बाहर निकाल के रख देंगे क्योंकि इसके पीछे भी दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है ना, तो फिर सुबह सुबह किसी को उठाना अच्छा नहीं लगता। हमारी पार्किंग थोड़ी सी छोटी है, मतलब कंपैरेटिवली, तो इसीलिए बेटर होगा। चलिए मैं बाहर जाके आती हूँ और घर जाके फिर पैकिंग भी करनी है, तो मिलती हूँ। घर पर आ गए हम लोग और अब शुरू होगा सारा काम। 10:15 हो गए घर पे आते, प्रिशा को थोड़ा सा लेट हो गया, इसके फ्रेंड की बर्थडे थी ना, तो इसकी फ्रेंड की इसका फ्रेंड नहीं, इसकी फ्रेंड की बर्थडे थी। अब मेरा काम क्या है पता है, जब कभी हम यूट्यूबर्स बाहर जाते हैं तो उससे पहले हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्या एडिटिंग का काम। तो यहाँ देखिए मेरे सारे फ़ोन पड़े हैं, ये नाश्ते का डब्बा पड़ा है, मैंने हटाया नहीं, अभी हटाती हूँ।
सारे कपड़े वपड़े सब सोने से पहले मैनेज करने हैं। आप लगा लो सुबह में हमें उठना है 3:30 बजे और अभी ऑलरेडी 10:20 हो रहे हैं रात के। अभी जाने की कोई तैयारी नहीं हुई है, मुझे बॉटल वगैरह साफ करनी है। मेरे पास 2-2.5 लीटर की बॉटल है, अगर आपको याद हो तो, इतना बड़ा बॉटल है जो मैंने लिया था लोकल मार्केट से, वो मैं सोच रही हूँ उसमें ठंडा पानी भर लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो पानी तो लगेगा रास्ते में, वो धोनी है, नाश्ते का 1 पैकेट तैयार करना है, वो सब करना है अभी, और ये सारे कपड़े वपड़े जमाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी मेरी थोड़ी सी एडिटिंग, बिकॉज मैं जब कहीं जाती हूँ तो क्या होता है, कोई कोलैबोरेशन वीडियो जाने वाला है लाइव, तो उसको करके जाना पड़ता है, ब्रांड को देना होता है उससे पहले, तो यहाँ वाईफाई हो जाता है, वाईफाई के बिना हमारा जो लाइफ लाइन है ना वो इंटरनेट होता है हम यूट्यूबर्स का, और अगर कहीं इंटरनेट ना मिले हमारा सारा काम ठप हो जाता है। तो इसलिए मैं जब भी किसी हॉलीडे पे जाती हूँ, आपने देखा होगा जब मैं गोवा भी गई थी तो 5 से 6 वीडियो अपलोड करके गई थी घर से, तो वो पहले बहुत मेहनत हो जाती है। आज कर लिए, एक व्लॉग अपलोड कर दिया आप लोग के लिए, रात को गया है, और एक मेरा कोलैबोरेशन वाला वीडियो जो मुझे ब्रांड को भेजना था वो भी दे दिया, और इसके अलावा मैंने मेरे नए चैनल के लिए जो मैंने आपको बताया मेरा, आज मैंने रेमेडी की है, बालों में रेमेडी की है, वो शूट किया मैंने, और वो शूट करना इजी नहीं होता है जब आप स्किन रेमेडी वाला चैनल ओपन करते हो ना, तो इट्स वेरी टफ। हाँ, एक वीडियो में लगता है आपको खाली 5-6 मिनट का वीडियो मिलता है वो वाला, लेकिन उसमें बहुत काम होता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं, यू नो, पहले आपको लगाते हुए दिखाना है, फिर उसका इफेक्ट दिखाना है, उसके बारे में बातचीत करनी है, और इफेक्ट दिखा मतलब शुरू से लेके जब आप लगा रहे हो फेस पैक वगैरह सब, उससे लेके नहाने तक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। वो निकाल सुबह भर के लेके जानी है ना, भर के लेके जानी है बेटा, बॉटल मिल रही मुझे, अपना कर लो, उसके बाद मैं ढूंढ ऊपर से निकाल दे, कर लो, व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। देखो इसके 2 कान, बड़े बड़े कान देख लो, उसके 2 कितने बड़े बड़े कान है उसके। हाय गाइस, हेलो, और जिनको अपडेट देना चाहूंगी मैं, आज मेरा लास्ट पेपर था और मेरे 12th के ट्यूशन शुरू हो गए, मेरे 12th में 1 मैथ्स का चैप्टर खत्म हो गया है, 1 केमिस्ट्री का खत्म होने वाला है। आई जस्ट यू नो आई एम हैप्पी। अब ये क्वेश्चन उठेगा, एग्जाम है तो हम क्यों जा रहे हैं, इसका बहुत इजी वाला एग्जाम है, हम तब तक आ जाएंगे। अब बस लास्ट कंप्यूटर है तो वही बात, हम तब तक आ जाएंगे बस, इसी का आ जाएंगे हम तब तक। एंड एक और चीज मेरे को बोली थी, आई एम नॉट अ डीजे के वेट करके ऋषि शुरू हो गया, और मुझे बहुत मैंने कमेंट्स में देखे, लोगों ने पूछा कि प्रिशा कौन सी स्ट्रीम में, तो मैं हूँ 12th में पहुंच गई, अभी स्टार्ट हो रही होगा मेरा एकेडमिक ईयर 2022-2023, और आप मेरे हाथ को क्यों देख रही हो। पहले थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट चढ़ा देती हूँ, फिर मैं चाहती हूँ, लाओ दिखाओ। हाँ, ये वाली बॉटल है, ये अभी धुलेगी अच्छे से, मैं अभी अच्छे से, तुम धोने वाली हो, इस पे कोई विश्वास नहीं है मुझे, ये लड़की कुछ का कुछ करती है, मैं ड्राइवर लेके जा रही हूँ, आप खुद से धो लो। गुस्सा हो गई लड़की मेरी, नहीं सच्ची बोल रही हूँ, आप खुद से धो लो, मैं सिर्फ कैमरा भी दिखाने के लिए लाई थी कि मैं धो रही हूँ। देखा, पकड़ी गई, आज ही किया मैंने, मतलब मम्मी चाय के साथ हमेशा करती है, नहीं हमेशा नहीं करती, अच्छा उस दिन नहीं किया था मम्मी, बदनाम करी ये लड़की मुझे, मैं इतनी भी बोली नहीं हूँ। और हाँ गाइस, आज मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी, ऐसे में ट्यूशन से छुट्टी और डायरेक्ट बर्थडे पार्टी में चली गई, यही बकवास थोबड़ी सी गई थी मैं, कपड़े भी चेंज करके नहीं गई, ऐसे ऐसे ही गई थी डेली रूटीन में, और मैंने खाई यम्मी यम्मी सैंडविचेस, और पेट एकदम भर चुका है। ऋषभ, मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी पिंक वाली बॉटल है ना वो भी दे दो, और ये सारी बॉटल भर के फ्रिज में लगाओ ताकि कल सुबह में हमें पानी की कमी ना पड़े। क्या हुआ, ये बॉटल में भर के पानी बंद करो, मुझे पता है मैं धो रही हूँ, ये बॉटल में भर के पानी लगाएंगे फिर ठंडा नहीं होगा। नहीं, इसको नहीं बोल रही, इसको सबको भरो। तो हम जब भी इस तरह से काम करते हैं ना घर का, हम माँ बेटी ऐसे एक दूसरे को छेड़ते छेड़ते मस्ती करते काम करते हैं, और एक्चुअली हाँ, इंसान ने ऐसे ही जीना चाहिए, मतलब हर एक पल को जी लेना चाहिए, मैं तो ऐसे मानती हूँ, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, मतलब ये लाइफ हमें एक ही बार मिली है ना, तो इसे अच्छे से जीना चाहिए, अपने जितने भी करीबी अपने रिश्ते जो हमारे साथ लोग रहते हैं, लाइक अपने बच्चे हस्बैंड सबके साथ अच्छे से जीना चाहिए। तो ये जो बॉटल है ना, ये काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुई, तो इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से धो रही हूँ, मैंने सोचा इसको प्रिल से धो दिया जाए, बिकॉज इसमें कल पानी भर के लेके जाना है, और हम लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको कल पता ही चल जाएगा, और ये वो वाला ट्रिप नहीं है जो मैं कह रही थी कि हम बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए, ये वो ट्रिप नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो प्रिशा का एक एग्ज़ाम कंप्यूटर का बाकी है, तो बट ऑब्वियस ये वो ट्रिप तो नहीं हो सकता है, वो ट्रिप थोड़ा बाद में होगा, पहले तो मेरी सासू आएंगी और ननद की बेटी और जो भी आने वाले हैं, उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे। ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिप है,
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में। थोड़ा सा मैंने कहा चलो एडिटिंग वर्क कंप्लीट करें, अभी भी काफ़ी एडिटिंग वर्क बाकी है। मेरा ऐसे ही काम चलता है, थोड़ा एडिटिंग तो थोड़ा बीच में घर का काम, बस ऐसे ही करके मैं रोज़ अपना जो रूटीन है वो कंप्लीट करती हूँ। और इस शॉर्ट ट्रिप के लिए भी काफ़ी सारा काम है जो हमें निपटाना है, जैसे कि भाई चार्जर वगैरह तो हमें लेने ही होते हैं क्योंकि गाड़ी के अंदर वैसे हमारी मतलब कार में चार्ज हो जाते हैं ना फ़ोन, तो डिस्चार्ज तो हो ही जाते हैं यूज़ करते करते, तो चार्जर रखना है, एसेंशियल्स तो रखने ही होते हैं, पानी हुआ, नाश्ता हुआ, थोड़ी मेडिसिन हुई, कुछ ना कुछ तो होता ही है जो रखा जाता है। तो बस अभी लड़े हैं वो लड़ाई हमारी कॉमन है जो हमारी हमेशा होती रहती है माँ बेटी, दिन में 50 बार होती है, दिन में 50 बार पैचअप होता है, 50 बार झगड़ा होता है, कोई नई बात नहीं है, इसको बिल्कुल नया ना लिया जाए। तो अभी मैंने वो बॉटल धो के रख दी है और मम्मी की नई टी शर्ट मेरे में रखी जाए। ए हाउ डेयर यू, नो वे, ये सारी मेरी टी शर्ट चुरा ली थी, दिस इज ये वाली मैंने 3-4 दिन पहले पहन ली थी, मम्मी ने उतरवाई मुझसे, मम्मी बुरी है, मम्मी बुरी है, मेरी टी शर्ट चुराई जाती है, मैं बुरी हूँ तो तुम बुरी हो, तुम मेरी टी शर्ट लेती हो उसका क्या, नहीं मम्मी मिल लेती है फिर तो। तो मैंने जो व्लॉग डाला था ना परसों, जिसमें मैंने उस कमेंट के बारे में डिस्कस किया था, यानी मेरी सब्सक्राइबर हेमलता पिल्ले जी के बारे में, तो उन्होंने ना एक्चुअली माफ़ी मांग ली थी उसी व्लॉग पे, और अब वो माफ़ी मांग रही हैं, तो आई थिंक हम सबको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनके कमेंट के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि देखिए कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है तो सब लोग मिलकर एटलीस्ट उन्हें करेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो मुझे अच्छा लगा, लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स करे हैं कि भाई आपने प्रिशा के लिए एटलीस्ट ऐसा क्यों बोला, इतनी प्यारी बच्ची है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट देख के, थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, लेकिन अब आप लोग भी उन्हें माफ़ कर दीजिए। आई थिंक उनका रीज़न वो दे चुकी हैं कि भाई उनको थोड़ा सा ये हो गया था ना कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, जो कि मैंने भी गेस किया था कि शायद यही रीज़न था कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया था, पर कोई बात नहीं, अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, आप लोग भी उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। और बस बाकी सारे कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, गीतांजलि जी ने लिखा है छोड़ो रुचि, ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, आप और आपकी बेटी बहुत प्यारे हो। इसके अलावा गीता ने लिखा है इग्नोर सच नेगेटिव कमेंट्स, खुशी वर्मा, नंदा एम, ललिता नारायण एंड श्रद्धा सुमन, संतोष सिंह, प्रीति एस, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे जो है मेरी सारी की सारी पैकिंग तो हो गई, अब मैंने लास्ट में जो मेरा जो हैंडबैग मतलब जो भी मैं लेती हूँ साथ में वो मुझे लगाना है, तो ये वाला जो हैंडबैग है या तो मैं ये लेके जाऊँगी या फिर मैं लेके जाऊँगी एक और छोटा है मेरे पास, तो देखती हूँ दोनों में से कौन सा लेती हूँ। अभी यही मेरा लगाना बाकी रह गया है, तो बस ये बैठ के लगाऊँगी मैं, इसके बाद हम सो जाएंगे। छोटा सा व्लॉग है ये, कल के व्लॉग में आपको देखने मिलेगा हम कहाँ निकल रहे हैं रातों रात, अचानक से कहाँ की जाने की तैयारी हो रही है ये और हम किधर निकल रहे हैं। सो आई होप आप कल का व्लॉग इन्जॉय करेंगे, और इसके थोड़े दिन के बाद में मतलब 1-2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आएंगी मेरी सासू माँ। चलिए व्लॉग को करते हैं एंड, बाय बाय।